एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रिकॉर्डिंग, यानी कि आपका सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम जो है आपने बाय तो कर रखा है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग जिस हार्ड ड्राइव में हो रहा है वो हार्ड ड्राइव भी खराब हो जाए तो क्या हो? मुझे पता है कि हार्ड डिस्क को जो है कैसे आप जो है हार्ड डिस्क की लाइफ को एक्सटेंड कर सकें, ये टॉपिक आपको उतना बेटर नहीं लगा होगा, क्योंकि इससे मतलब लोगों को तब होता है जब उनके फुटेज डिलीट हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं हार्ड डिस्क के कारण, नहीं समझ में आता, फुटेज नहीं मिलता। तो अगर आपको उस तरह की कंडीशन का सामना करना ना पड़े तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, अंत तक देखिएगा, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और आप अपने हार्ड डिस्क की लाइफ को बढ़ा पाएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हार्ड डिस्क की लाइफ को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो है फैक्टर है वह है मोशन डिटेक्शन को आप यूज़ कीजिए, आप कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग को यूज़ मत कीजिए। अभी तो आपको पता है कि एक्यूसेंस आ गया, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन आ गई हैं, जिससे कि आपको जो ज़रूरी है ह्यूमन और व्हीकल इस दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा तो ये दोनों रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसे रिकॉर्ड करके कोई लाभ नहीं। तो आप इस पर फोकस कीजिए, मोशन डिटेक्शन को ऑन कीजिएगा तो हार्ड डिस्क का जो साइकिल है ना वो डबल हो जाएगा। अगर हार्ड डिस्क 3 साल चल रहा है आपका तो वो 6 साल चलेगा, तो वो साइकिल डबल हो जाएगा, हार्ड डिस्क का लोड जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी दिनों तक रहेगी। अगर कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग में 15 दिन तक रह रहा है तो मोशन डिटेक्शन आप ऑन कीजिएगा तो उसमें आपका 1 महीना प्लस रहेगा, तो वो आपको काफ़ी काम आएगा हार्ड डिस्क की लाइफ बढ़ाने में भी और हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने में भी। इसके अलावा सर्विलेंस रेटेड आप हार्ड ड्राइव को यूज़ कीजिए। सर्विलेंस हार्ड डिस्क डिज़ाइंड होता है सिक्योरिटी कैमरे के लिए ही, आप क्योंकि 24 घंटा ये ऑन रहता है तो इसको ऐसे हार्ड डिस्क चाहिए जो कि कम पावर ले और ज़्यादा हीट में भी अच्छा काम कर सके, अच्छी तरीके से वो रिकॉर्ड कर सके। तो आपको वो हार्ड ड्राइव लेना है, दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो, अमेजोन से लेना है, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, जहाँ से भी चाहते हो आप बाय कर सकते हो, लेकिन आपको सर्विलेंस हार्ड ड्राइव में ही जाना है, चाहे सीगेट हो चाहे WD हो, आपको वहाँ जाना है। बाकी और भी चीज़ें हैं, मैं उसे रिकमेंड नहीं करता, बट ये रिलायबल है और एक बेटर कंपनी है जो हार्ड डिस्क बनाती है। इसके अलावा ESSD को आप यूज़ कर सकते हैं लाइफ को एक्सटेंड करने में। अब ESSD वाला जो भी DVR है ना, वो DVR काफ़ी बेहतरीन है और इको फ्रेंडली है, और मेरे हिसाब से जो 5 साल आपका हार्ड ड्राइव चलेगा तो उसमें 10 साल चलेगा। लेकिन ESSD वाले DVR या NVR अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। ESSD वाले DVR में तो काफ़ी मॉडल आ गए हैं, बट NVR में तो मॉडल जो भी है अभी मार्केट में भी नहीं आया होगा, DP से पहले लॉन्च ही हुआ है, मेरे ख्याल से 6, 7, 8 पूजा में लॉन्च हुआ है, मैंने वीडियो बनाया, वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये जो SSD होता है ना, इसमें मूवमेंट नहीं होता, कोई छोटा डिस्क नहीं होता जो मूव कर रहा है, जब मूव ही नहीं कर रहा तो फिर ये सॉलिड तरीके से काम करता है और इसमें ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। और अब फ्यूचर में ये चीज़ें होने लगेंगी और SSD वाले DVR NVR ज़्यादा प्रचलन में आएंगे। UPS को जरूर यूज़ कीजिए, UPS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो सबसे ज़्यादा आपके DVR के अंदर जो हार्ड डिस्क होता है वो डैमेज होता है, NVR में हार्ड डिस्क डैमेज होता है। क्यों डैमेज हो रहा है? क्योंकि उसमें बहुत तरह के पार्ट्स होते हैं, आपका प्रॉपर एक कंप्यूटर सिस्टम है, शट डाउन करना पड़ता है, कहीं अचानक से बंद हो गया, लाइट चल गया, या इन्वर्टर सही नहीं है, किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, तो शट डाउन करने का प्रावधान इसमें इसलिए दिया है ताकि आपका हार्ड डिस्क एक सिस्टम से बंद हो। तो UPS को यूज़ कीजिएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, वो समस्या नहीं आएंगे, इंडिया का वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है उसके कारण आपके हार्ड डिस्क खराब नहीं होंगे। इसके अलावा आप जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कीजिए, यानी कि कुछ ऐसे जगह पर कैमरा मत लगा लीजिए जहाँ बहुत हीट है, बहुत गर्मी हो रही है, छत पे लगा दिया आपने, छत के पास DVR रैक लगा दिया, पूरा छत का हीट आ रहा है गर्मी के दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस में, किचन के पास आपने लगा रखा, किचन का फॉग है, धुआँ है, हीट है, हर तरह की चीज़ें जा रही हैं, वहाँ पर हार्ड डिस्क आपका ख़राब होगा। आपको एक ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर टेम्परेचर बदले ना सडनली, आसानी से कूल माहौल रहे। और एक चीज़ और जरूर ध्यान देखिएगा कि आपको हीट से पूरी तरह से दूर रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो हीट होता है, तो जब हीट होता है तो निश्चित तौर पे आपको दिक्कत होगी, इसलिए सर्विलेंस वाले हार्ड ड्राइव यूज़ कीजिए तो वो बेटर है। इसके अलावा वाइब्रेशन से बचाइए, शॉक से बचाइए, मूवमेंट से बचाइए। क्यों?
SSD वाले में वाइब्रेशन फ्री है, कोई वाइब्रेशन ही नहीं होता। आप DVR के नीचे जब आप हाथ रखिएगा ना, तो आपको वाइब्रेशन मिलेगा। छोटे छोटे कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो मूव करते हैं। अगर आप ऑन कंडीशन में आप उठा के कहीं से आप कहीं और ले गए, तो अगर कोई भी पार्टिकल्स आपका जो है हार्ड डिस्क का जो इधर उधर हुआ, हार्ड डिस्क खराब, हार्ड डिस्क काम करना बंद, या फिर जरा सा भी हार्ड डिस्क या DVR जरा सा भी नीचे टच हो गया या चोट लग गया या गिर गया, तो हार्ड डिस्क आपका खराब। तो आपको वाइब्रेशन से बचाना है, शॉक से बचाना है, मूवमेंट ज़्यादा ना हो वो ध्यान रखना है। इसलिए DVR रैक बना है, NVR रैक बना है। अब उस रैक में उस सिस्टम को रखिए, कोई टेबल पर रख दिया, यहाँ से उठा कोई यहाँ कर दिया, यहाँ से उठा कोई यहाँ कर दिया, उसमें भी आपके हार्ड ड्राइव खराब हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जिससे हार्ड डिस्क काफ़ी लॉन्ग समय तक आपका चलेगा। और निश्चित तौर पे अगर हार्ड डिस्क ही ना हो या हार्ड डिस्क खराब हो जाए, आपका सिक्योरिटी सिस्टम किसी काम का नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर समझिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हार्ड डिस्क को बचाने में एक कदम बढ़ाएंगे। आपको अगर ईबुक बाय करना है IP कैमरा बाय करने के लिए या फिर HD कैमरा बाय करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेल दिया हुआ है, आप मेल भी कर सकते हैं, ईबुक बाय कर सकते हैं, जिससे आप एक बेटर सिक्योरिटी सिस्टम बाय कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।